अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीसीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नज़र डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कोरोना के गरीब व मुस्तहक मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज किया। साहित्या ट्रस्ट की जानिब से बास दीगर रजाकाराना तंजीमों के ताउन के जरिए हैदराबाद में ये मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया गया। माहिर चैरिटी दक्कनुल मसीह और दीगर तंजीमों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के हुसूल में ताउन किया। ये खसूसी कंसंट्रेटर्स बरतानिया से हासिल किए गए हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ट्रस्ट के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मौजूदा सूरत हाल में गरीब और मुस्तहक मरीजों की इमदाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों में बेहतर इलाज की सहूलतों का इंतजाम किया गया है। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नजर रजाकाराना तंजीमों की जिम्मेदारी है कि वो भी खिदमत खल्क के जज्बे के तहत जरूरतमंदों की मदद करें। मोहम्मद सलीम ने कहा कि मरीजों की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ मदद के अलावा अवाम में कोरोना कवायद पर अमलावारी के लिए शौर बेदारी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए रजाकाराना तंजीमों और अवाम को हुकूमत से ताउन करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर के अलावा रियासती वुजरा के टी रामा राव और हरीश राव सरकारी दवाखानों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के इकदाम कर रहे। चीफ मिनिस्टर ने दो अहम सरकारी दवाखानों का दौरा करते हुए सूरत हाल का शख्सी तौर पर जायजा लिया। सदर नशीन साहित्या ट्रस्ट अनीस अहमद, प्रोफेसर आमिरुल्ला खान, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस डॉक्टर हफ्सा और दीगर अफराद भी इस मौके पर मौजूद थे। हमको आकर यहाँ पर हमारे साहित्या ट्रस्ट के मेंबर्स, चेयरमैन एमडी और हमारे डॉक्टर हफ्सा मैडम और हमारे आमिरुल्ला खान साहब आईएएस ऑफिसर भी रहे, तो ये लोग हमको बुलाकर इनाग्रेशन का मौका दिए और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे। साहित्या ट्रस्ट और एक्सेस फाउंडेशन और भी दक्कन एलिविंग, ये लोग सब मिलकर जो एक टीम वर्क करके ये लंदन से जो मंगाए हैं ये कॉन्सनट्रेटर, तो मैं इन लोगों को भी मुबारकबाद भी देता हूं। मैं इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूं मैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग, यहां पर भी नहीं अदर स्टेट में भी कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की जो जैसा अपने पास कमी है बोल रहे हैं, मगर ये लोग भी जो है ना बाहर से इम्पोर्ट करके यहाँ पर आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं ये लोग भी कर रहे हैं। इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेंगे और है भी, और इंशाल्लाह ताला अनीस भाई से हमारा बहुत ही क्लोज दोस्ती है हमारी, और हमारा बिजनेस का भी उनसे काम है कंस्ट्रक्शन का, और अल्लाह चाहे तो हम भी आने वाले टाइम में जो हमारे से भी हो सकता हम आपके साथ रहकर जो आपको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट, केसीआर साहब से भी।